welcome back to my YouTube channel Groom with Anju. दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ सुपर गॉर्जियस मेकअप लुक, वो भी साड़ी में। दोस्तों ये लुक अगर आप करवा चौथ पर साड़ी कैरी कर रही हैं या फिर आप दिवाली पर साड़ी कैरी कर रही हैं और आप इस लुक को एक बार ट्राई करते हैं किसी भी त्योहार पे, क्योंकि दोनों ही स्पेशल त्योहार है और साल भर के खास त्योहार है, तो जिसपे भी आप साड़ी कैरी कर रहे हैं आप एक बार इस लुक को ट्राई करें, इस मेकअप लुक को ट्राई करें, आप सुपर गॉर्जियस लगेंगी, अमेजिंग लगेंगी और बेहद सुंदर लगेंगी। क्योंकि लहंगे में एक लुक मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो भी एक बार चेक करें। अगर आप लहंगा कैरी कर रहे हैं तो आप वो वाला मेकअप लुक उसके साथ ट्राई करें, और अगर आप साड़ी पहन रहे हैं तो आप ये मेकअप लुक ट्राई करें। तो दोस्तों ये मेकअप लुक दिखाने से पहले अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपके जो भी कमेंट मेरी वीडियो के बारे में है वो जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपके कोई सजेशन है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों ये सुपर गॉर्जियस साड़ी लुक मैं आपको आगे वीडियो में दिखा रही हूँ, आप इसके साथ अपनी ज्वेलरी कैरी किस तरीके से कर सकते हैं साड़ी के साथ, इसके साथ आपको किस तरीके से मेकअप करना है, सिर्फ आपको अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग आई शेडो कलर बस चेंज करना होगा, बाकी आप कंप्लीट लुक ऐसे ही आप इसी तरीके से फॉलो करें तो आप अमेजिंग अमेजिंग दिखेंगे। तो चलिए देखते हैं ये सुपर गॉर्जियस लुक। सबसे पहले आप देख रहे हैं मेरा फेस क्लीन है, और सबसे पहले हमें अपने फेस को करना है स्किन केयर। इसके लिए मैंने टोनर लिया है, गुड वाइब्स का टोनर, ये ग्लो टोनर है दोस्तों। इसको बस आप फेस पे इस तरीके से करके अपने फेस पे थोड़ा सा स्प्रे करके इसको सूखने दे एक सेकंड के लिए। दूसरा मैंने लिया है ये गुड वाइब्स का, अगेन ये रोज ग्लो फेस सीरम है दोस्तों, ये मैंने अभी लास्ट वीक लिया है, इसका रिजल्ट अच्छा है इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। बस इसकी 2 से 3 ड्रॉप्स ऑल ओवर फेस पे आपको इस तरह से लगा लेनी है और फिर अपने हाथ से इसे हल्का सा मसाज करके छोड़ देना है, इसका रिजल्ट अच्छा है इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इसका ग्लो अभी से आना शुरू हो गया। तीसरा मैंने लिया है मॉइस्चराइजर करने के लिए अपने फेस को, काया की ये डे मॉइस्चराइजर क्रीम है। आपके पास जो भी मॉइस्चराइजर क्रीम हो आप वो अप्लाई करें। सबसे पहले ये हमें स्किन केयर में जो जो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। ग्लो सीरम आप ले ना लें, लेकिन मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, टोनर ये आपके पास होना ही चाहिए। ये मैंने क्रीम अप्लाई कर ली है मॉइस्चराइजर क्रीम अपने फेस पे, नेक पे, हाथों पे। ये मैंने SPF 30 सनस्क्रीन लिया है। आपके पास जो भी ब्रांड का हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको सूट आता है, लेकिन मेकअप से पहले जरूर जरूर आप ये अप्लाई करें। एक तो मेकअप प्रोडक्ट चाहे कितने भी बड़े ब्रांड का हो उससे हमारी स्किन का कोई डैमेज ही नहीं होता, नुकसान ही नहीं होता स्किन केयर करने से। ये होठों पे मैंने लगा लिया है हिमालय का लिप बाम, किसी भी ब्रांड का लिप बाम जरूर लगाएं क्योंकि चेहरे पे बहुत प्रोडक्ट लगते हैं तो सारे वो होठों पे आते रहते हैं। अब उसके बाद मैंने लिया है मैक का प्राइमर, आप किसी भी कंपनी का प्राइमर ले सकते हैं। प्राइमर का काम होता है हमारे फेस पर जो भी छोटे बड़े पोर्स होते हैं उनको मिनिमाइज करना, उनको छोटा करना। फर्स्ट स्टेप मेकअप का ये कुछ प्रोडक्ट अप्लाई करने से पहले आपको प्राइमर जरूर जरूर अप्लाई करना है ताकि हमारा जो बेस हो वो बहुत ही फाइन तरीके से हमारे फेस पे दिखाई दे, थुपा हुआ दिखाई ना दे। आज मैं सबसे पहले आपको आईज करना सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप आसानी से ये कट आईज अच्छे से शेप में कर सकते हैं। आप देख रहे हैं उसके लिए मैंने ये सेलो टेप के छोटे छोटे 2 टुकड़े काट के इनको आईज पे इस तरीके से ट्रायंगल में लगा लिया है अपनी ब्रोज तक। ये बहुत आसानी से आप इससे आई मेकअप कर सकते हैं। अब मैं अपनी आंख के ऊपर लगा रही हूँ कंसीलर, कंसीलर ले रही हूँ मैं, ये मेरे पास कलर बार का कंसीलर है, फ्लॉलेस फुल कवर कंसीलर। अब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से इसको सेट कर लेती हूँ। तो अभी मैं पूरे फेस पे कुछ नहीं लगा रही हूँ सिवाय स्किन केयर के, पहले मैं आपको आईज करना आज बता रही हूँ कि किस तरीके से आप एक अच्छी आईज ज्यादा मेहनत के बिना किस तरीके से कर सकते हैं। अब इस कंसीलर को सेट करने के लिए मैंने लिया है फिट मी का ये पाउडर, फ्रेश पाउडर, ताकि ये कंसीलर मेरा सेट हो जाए। ये भी मैट पोरलेस पाउडर है, ये बहुत अच्छा है नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए, आप इसे ले सकते हैं अपनी स्किन के कलर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले
आप अपने ड्रेस का कलर देख लें, साड़ी में आप देख रहे हैं टमाटरी रेड और गोल्डन है, तो इसके लिए सबसे पहले एक फ्लफी ब्रश लें, ये मैंने ले लिया है, और लाइट कलर से आपको अप्लाई करना है। तो मैं ये लाइट रेड ले रही हूँ, टमाटरी रेड, उसको मैं धीरे धीरे क्रीज लाइन के ऊपर, कभी भी डार्क कलर से आपको शुरू नहीं करना है, लाइट कलर से शुरू करना है, तो उसको क्रीज लाइन के ऊपर आप इस तरीके से लाइट से थोड़े डार्क पे जाएं धीरे धीरे, और उसको अच्छे से ब्लेंड करते हुए अपनी क्रीज लाइन के ऊपर इसको डिफाइन करें। मेन काम ब्लेंडिंग ही है, आप देखना कि कितना टाइम आप ब्लेंड करने में जितना लेंगे, जितना अच्छे से कलर को आप ब्लेंड करेंगे इतना ही अच्छा उसका लुक आएगा। अब मैंने थोड़ा डार्क और ले लिया है लाइट से डार्क, और फिर मैं अपनी क्रीज लाइन के ऊपर उसको अच्छे से लगा रही हूँ और इसको ब्लेंड भी करती जा रही हूँ, आप देख रहे हैं। आईज कॉर्नर पे मैं इसलिए थोड़ा सा ज्यादा और ब्लेंड करती हूँ क्योंकि हमारे आईज कॉर्नर ज्यादा कलर रहेगा तो थोड़े से स्मोकी लुक और थोड़ा सा हमें डार्क करना होता है, उसी से लुक आईज का अच्छा आता है। इसके लिए अब मैंने और डार्क, तीसरा कलर आप देख रहे हैं, और डार्क ले लिया है, और मैं आईज कॉर्नर को पे इसको बहुत ज्यादा पहले अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरे इधर आईज कॉर्नर हाईलाइट हो जाए अच्छे से। इसको आपको ब्लेंड करते जाना है, जितना भी कलर आप लें बस उसको साथ साथ एक ब्रश से ब्लेंड करते जाएं। जितना आप ब्लेंड कर लेंगे इतना ही अच्छा आपकी आई का लुक आएगा, ये देखिए। अब मैंने लिया है डार्क ब्राउन। अब डार्क ब्राउन मुझे आईज पे थोड़ा स्मोकी लुक चाहिए तो मैंने बिल्कुल डार्क ब्राउन लिया है, उसको मैं बिल्कुल आई लिड के इधर कॉर्नर पे इसको लगा रही हूँ अभी छोटे ब्रश से। यहाँ पे बड़ा ब्रश काम नहीं करेगा क्योंकि सिर्फ हमें कॉर्नर पे लगाना है, तो आप छोटा ब्रश लें और उसको इस तरीके से आईज कॉर्नर पे टेपर में थोड़ा सा इस तरीके से लगाएं। अब फिर आपको इसको दूसरे फ्लफी ब्रश से इसको आपको मर्ज कर लेना है ताकि दोनों कलर अलग दिखाई ना दे। ये मैं फिर इसको मर्ज कर रही हूँ नीचे नीचे कॉर्नर पे ताकि ये डार्क जो ब्राउन मैंने लगाया है ये अलग ना दिखाई दे, तो इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब हमें जितना डार्क ये चाहिए, जितनी स्मोकी आईज चाहिए, मैं वो चेक कर रही हूँ, मुझे थोड़ी और स्मोकी लुक चाहिए तो मैंने और थोड़ा सा ये डार्क ब्राउन कलर यहाँ पे लगाया है। और अब मैं अगेन इसको एक फ्लफी ब्रश से इस तरीके से मर्ज कर लूंगी। मेन काम ब्लेंडिंग ही है दोस्तों, आपको कभी भी अगर दो ये तीन कलर आपको ये यूज करने हैं तो आपको ब्लेंडिंग पे इतना ही ध्यान देना पड़ेगा, आपको बार बार इन्हें ब्लेंड करना पड़ेगा। अब मेरी साड़ी के अंदर गोल्डन कलर भी है तो मैं आईज कॉर्नर पे ये फिंगर की हेल्प से मैं लगा रही हूँ गोल्डन कलर, क्योंकि मुझे सिर्फ कॉर्नर पे चाहिए, बहुत ज़्यादा पूरी आईलिड पे नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने ब्रश का यूज नहीं किया, और अच्छे से ये फिंगर से अच्छे से ये कॉर्नर पे जा रहा है तो इसलिए मैंने यहाँ पे फिंगर यूज किया है। या तो बहुत छोटा ब्रश लें आप, या फिर आप फिंगर से आसानी से इसको कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पूरी लिड पे इसको नहीं फैलाना था इसलिए मैंने ये फिंगर यूज किया। अब मैं अगेन ताकि सारे कलर अलग अलग ना लगे फिर इनको मर्ज कर रही हूँ सिर्फ उसी ब्रश से जिससे मैं ये मर्ज कर रही थी फ्लफी ब्रश से, ये देखिए। कभी भी दो कलर के बीच में अगर आपको लाइन दिखाई दे, जैसे इनके बीच में गोल्डन के और ये इधर स्मोकी आईज के, तो इसको मैं बार बार ब्लेंड करती रहती हूँ। बस आप ब्लेंडिंग ढंग से कर लेंगे तो कभी भी आपकी अलग अलग लाइन और अलग अलग कलर कभी भी दिखाई नहीं देंगे, यही मेन काम है। आप मैंने लिया है ये आईज कलर ताकि जब मैं फॉल्स लैसेस लगाऊं तो मेरे ये अलग अलग ना दिखाई दें, ये आई लैसेस कलर के साथ ये जब मैं फॉल्स लैसेस लगाऊं तो उसके साथ ये मिक्स हो जाए, इसलिए मैंने इनको फोल्ड कर लिया है। ये हमने लाइनर लगा लिया है और मैंने पतला लाइनर लगाया है ताकि जब मैं फॉल्स लेसेस लगाऊं तो वो अलग से वो चिपकी हुई ना दिखाई दे, इसीलिए मैंने पहले लाइनर लगा लिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये कट आईज का आ गया है, इससे लाइनर का शार्प विंग भी बन गया है, तो इसीलिए मैंने ये टेप लगाई थी। अब मैंने लगा लिया है मस्कारा, मेरे पास मैक का मस्कारा है ये, आपके पास जिस ब्रांड का भी हो आप मस्कारा यूज करें।
और अब मैं लगा रही हूँ फोल्स लेसेस। फोल्स लेसेस दोस्तों कभी भी आप गीले लाइनर पे ना लगाएं, मैं पहले यही करती थी तो उसको चिपकने में आसानी नहीं होती है, तो आप पहले अपने लाइनर को अच्छे से सुखा लें तब आप ये फोल्स लेसेस अप्लाई करें। अब देखते हैं कि हमारे मस्कारा और फोल्स लेसेस के बीच में कोई लाइन तो नहीं दिख रही है, अगर दिखे तो आप उसको थोड़ा सा लाइनर से इक्वल कर लें और उसको अच्छे से एक शेप दे दें। अब मैं अपने लेसेस पे फिर अगेन एक बार मस्कारा अप्लाई किया है। अब मेरे फेस पे थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट गिर गया था आंखों का, जब मैं मेकअप कर रही थी वो मैंने टोनर से हल्का सा साफ कर लिया है। अब मैंने लिया है फिट मी का पोरलेस ये फाउंडेशन है, ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है दोस्तों। मेरा शेड नंबर है 125। आप अपने अकॉर्डिंग इसका शेड ले सकते हैं, आप कहीं भी मॉल में जाएंगे या आप किसी अच्छे शॉप पे जाएंगे तो वो हमेशा आपको कलर चेक करके ही आपका तब आपको इसका कलर सजेस्ट करेंगे। तो ये मैंने अपने अकॉर्डिंग कलर लिया था, आप अपने अकॉर्डिंग ये शेड ले सकते हैं। और इसको भी अगेन ब्यूटी ब्लेंडर से, हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर को आपको अच्छे से स्क्वीज वाइट, पहले आपको गीला करके इसको निचोड़ना होगा ताकि जो भी एक्स्ट्रा हमारे फेस पे ये फाउंडेशन या कंसीलर जो भी लगता है इसको बिल्कुल बराबर कर देता है, कहीं से भी थुपा और पुता हुआ नहीं लगता। एक्स्ट्रा तो इस पे चिपक ही जाता है, इसलिए इतना क्लीन और बिल्कुल फ्लॉलेस लुक आता है दोस्तों। कान पे, गर्दन पे, इन एरियाज को आपको कभी भी अवॉइड नहीं करना है, नहीं तो आपका फेस अलग दिखाई देगा, आपकी गर्दन अलग दिखाई देगी और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब मैंने लिया है ये अगेन कलर बार का फ्लॉलेस फुल कवर कंसीलर है दोस्तों, ये बहुत अच्छा कंसीलर है। और कंसील सिर्फ हम वहां पर करते हैं जिन एरियाज को हमें हाईलाइट करना होता है, जैसे नोज, आईज के नीचे, जो लाइन और हमारा फोरहेड, तो इन एरियाज पे आप लगाएं थोड़े थोड़ी मात्रा में। और इसको अगेन उसी ब्यूटी ब्लेंडर से मैं सेट कर लूंगी और आपको वहीं इसको सेट करना है जो एरियाज आपको करने हैं हाईलाइट। ये देखिए कितना अच्छा लुक आ गया है, लग ही नहीं रहा है फेस पे मैंने कुछ लगाया है, सब एक्स्ट्रा मैंने निकाल दिया है, कोई भी जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था। अब मैं फेस पे कर रही हूँ कॉन्टोरिंग, कॉन्टोरिंग मैं कर रही हूँ दोस्तों। कॉन्टोरिंग आप ध्यान से देखिए, फेसिस कनाडा की ही कॉन्टोरिंग पायलट से मैं कर रही हूँ। नोज को आपको कॉन्टोरिंग करनी है, ये चीक्स बोन को आपको कॉन्टोरिंग करनी है, फोर हेड को आपको कॉन्टोरिंग करनी है और ये जो लाइन को आपको कॉन्टोरिंग करनी है। ये फोर मेन स्टेप है, नोज, चीक्स बोन और फोर हेड और आपका ये जो लाइन। और ये मैं अपनी गर्दन के नीचे भी ये थोड़ी कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, तो ये देखिए नोज की अलग कटिंग दिखाई रही है और चीक्स की अलग। मैं लाइट कॉन्टोरिंग इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरा फेस ऑलरेडी पतला है और अब मैं इसको एक पतले ब्रश से सारा सेट कर लूंगी ताकि हमारी कॉन्टोरिंग अलग से दिखाई ना दे। ये मैंने कॉन्टोरिंग सेट कर लिया अच्छे से। अब मैंने लिया है फिट मी का पोरलेस की मैट पाउडर और इसको मैंने अपने वहां वहां जहां पर मैंने हाईलाइट एरिया किए थे, ध्यान से देखिए उन्हीं पे बस मैंने ये अप्लाई किया है, पूरे फेस पे मैंने अप्लाई नहीं किया है ताकि हमारी कॉन्टोरिंग अलग दिखाई दे। और अब जो एक्स्ट्रा पाउडर मेरे फेस पे है वो मैं ब्रश की हेल्प से उसको मैं निकाल रही हूँ ताकि बिल्कुल नेचुरल लुक आए, लगे ही नहीं कि आपने फेस पे बहुत कुछ लगाया। आप देख भी सकते हैं कितना नेचुरल लुक आया है। अब बारी है हमारी ब्रोज को क्लियर करने की। मेरी ब्रोज में जहाँ भी बाल कम है, किसी की भी ब्रोज में, वहाँ से आप शुरू करें। और मैंने लिया है बिल्कुल ब्राउन कलर का ये जेल ब्रोज लाइनर है ये दोस्तों, और ये बिल्कुल लगता ही नहीं कि आपने इनको बहुत ज़्यादा काला कर लिया, बिल्कुल नेचुरल लुक देता है आपका। और मैं वहाँ से बस फिल कर रही हूँ इनको जहाँ पे मेरी ब्रोज में बाल कम है। अब ये देखिए शुरू में बाल कम है, अब मैंने अपनी दोनों आईब्रोज फाइनल कर ली है और अब मैं इनके ऊपर लगाऊंगी। मेरे पास एक मस्कारा हमेशा होता है जो सूखा हुआ होता है, वो जो यूज का नहीं होता, ये जो एक्स्ट्रा कलर हमारी आईब्रोज में चला जाता है उसको ये बिल्कुल इक्वल कर देता है और बहुत अच्छी शेप दे देता है। ये देखिए अब मैं अपनी आईब्रोज को के नीचे थोड़ा सा हाइलाइटर लगा रही हूँ ताकि मेरी आईब्रोज थोड़ी सी हाईलाइट रहे, सिर्फ सेंटर कॉर्नर से नीचे तक। अब उसके बाद मैं अपने आई कॉर्नर को भी हाईलाइट करूंगी, उससे पहले हम काजल लगा लेते हैं। ये मैंने ब्राउन कलर का काजल लगाया है, मैंने ब्लैक नहीं लगाया दोस्तों। और अब जो कलर मैंने आंखों पे ब्राउन कलर किया था, अब उसमें से मैं नीचे थोड़ा सा ये ब्राउन कलर भी लगा रही हूँ क्योंकि इससे ना बड़ा फ्रेश लुक आता है, बड़ा सुंदर लुक आता है कि काजल लगाने के बाद ये अगर मैं ये कलर अप्लाई करती हूँ बड़ा फ्रेश लुक आता है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये कलर लगता है। अब मैं अपनी आईज कॉर्नर को भी हाईलाइट कर रही हूँ। अपने आई शेड पायलट से मैंने गोल्डन कलर लिया है और उनमें अपने आईज कॉर्नर मैंने हाईलाइट कर लिए।
अब लास्ट में मैं पूरे फेस पर एक अपने बेस को पूरा अच्छे से क्लियर करने के लिए मैंने हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर फिर लिया है और उसको ऑल ओवर फेस, नेक, सब जगह सिर्फ एक ब्रश की हेल्प से उसको सेट कर लिया है। अब मैंने लिया है फेसिस कनाडे का ही, मेरे पास ये अल्टीमेट प्रो फेस पैलेट है। इसमें कॉन्टोरिंग, हाइलाइटिंग और ब्लशर सब कुछ है। अब मैंने ये इसमें से ब्लश लिया है और मुंह को हल्का सा पाउट बनाया है। ये सबसे बेस्ट तरीका है अपने को ब्लश करने का कि किस एरियाज पे आपको ब्लश करना है। ये देखिए आप इस तरीके से सर्कल, बड़े ब्रश की हेल्प से मैं राउंड राउंड सर्कल करते हुए चीक्स पे और चीक्स बोन तक इसको अपने गालों को ब्लश कर रही हूँ। और ये बहुत ही नेचुरल लुक आता है, बहुत ही नेचुरल लुक आता है, कोई थुपा हुआ पुता हुआ लुक इससे आता ही नहीं। बहुत लाइट मैंने अपने ये चीक्स पे ये कलर लगाया है। और अगेन इसी पैलेट से हम अपने फेस पे करेंगे हाईलाइट, जिन एरियाज को हमें हाईलाइट करना है। ये हाईलाइट लिया है मैंने फेसिस कनाडे का इसी पैलेट से और मैं अपने चीक्स, नोज, चिन, फोरहेड और उसके नीचे गर्दन पे, ये हमारे हाईलाइटेड एरियाज होते हैं दोस्तों, इनको हमें हमेशा करना चाहिए हाईलाइट। और अब मैंने पूरे फेस पे किया है CV3 का मेकअप फिक्सर। आप किसी भी ब्रांड का मेकअप फिक्सर लें, लेकिन मेकअप को अपने सेट करने के लिए आपको मेकअप फिक्सर जरूर यूज करना है। ये मैंने ली है मैबलिन की लिप शेड और मेरा लिप शेड खत्म था, इसलिए मैंने ब्रश की हेल्प से लगाया क्योंकि मेरे को कलर बहुत पसंद है। अब मैचिंग मैंने रिंग ले ली है। गले और कानों में जो मैंने पहना है वो मैंने इसके साथ मिक्स करके पहने। गले में मैंने ग्रीन पहना है क्योंकि मैं रेड साड़ी पहनी थी तो बहुत अच्छा लग रहा है। कानों में झुमका, गले में सेट और ये मैंने रेड और गोल्डन ही फ्लावर बनाए हैं जूड़ा लगा के। ये मेरा कंप्लीट लुक है आपके सामने, आप देख सकते हैं कितना नेचुरल, रेडियंट और गॉर्जियस लुक आया है, बेहद सुंदर लुक आया है दोस्तों। आपको मेरा ये लुक कैसा लग रहा है, कैसी लग रही हूँ मैं, मुझे ज़रूर बताना। और मेरा मेकअप आपको कैसा लगा है आप ये भी बताना। और मेरे मेकअप के बारे में आपके जो भी कमेंट है या फिर कोई सजेशन है तो आप वो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए हाथ में मैंने उसी के मैचिंग पर्स लिया है गोल्डन, और गले में मैंने एक गोल्डन इसी तरह की एक लंबी माला ले ली है। सिल्क की साड़ी है तो इस पर मैंने बहुत चमचम ज्वेलरी नहीं पहनी है, बहुत सिंपल ज्वेलरी पहनी है। तो आप ये लुक दिवाली, करवा चौथ किसी पे भी क्रिएट कर सकते हैं तो आप बेहद बेहद गॉर्जियस और सुंदर दिखेंगी। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने कमेंट और जरूर और सजेशन मेरे कमेंट बॉक्स में लिखे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।